जब अखिलेश यादव आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनर्जी के कार्यक्रम में शामिल होने कोलकाता रवाना हो रहे थे, उसी समय उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में बाबा का बुलडोजर गरज रहा था और उस बुलडोजर के निशाने पर थे समाजवादी पार्टी के नेता और करीबी। जिस करहल से विधानसभा सीट अखिलेश यादव जीते थे, उसी करहल में सपा का वो कौन सा नेता है जिसकी इमारत बुलडोजर के जद में आ गई। जनपद मैनपुरी के कस्बा करहल में 6 साल बना सपा नेता और वर्तमान करहल नगर पंचायत चेयरमैन अब्दुल नईम की पत्नी फरजाना बेगम के नाम मैरिज होम पर चला बाबा का बुलडोजर। करहल तहसील क्षेत्र के ईदगाह के पास स्थित गाटा संख्या 1872 एक तालाब पर अवैध कब्जा कर शासन प्रशासन की आंखों में धूल झोंक कर दबंगई के बल पर बनाया था मैरिज होम। आइए इस पूरे मामले में दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। जिस मकान को तोड़ने में बाबा के 5 बुलडोजर लगे, वो एक मैरिज होम है। इस मैरिज होम की मालकिन फरजाना बेगम है। सवाल ये उठता है कि ये फरजाना बेगम कौन है, तो आपको बता दें, फरजाना बेगम अब्दुल नईम की बीवी है। अब्दुल नईम सपा के नेता है जो कि मैनपुरी के करहल नगर पंचायत के अध्यक्ष है। करहल इसलिए अहम है क्योंकि यही से अखिलेश यादव का चुनाव जीते थे। इमारत 5 करोड़ से ज़्यादा की बताई जा रही है। सुरक्षा के लिए वहाँ पर पुलिस का एक बड़ा दल मौजूद है। अब सवाल है कि अखिलेश के अजीज की इमारत क्यों तोड़ी जा रही है। खबरों के मुताबिक फरजाना बेगम और अब्दुल नईम ने मिलकर जहां मैरिज होम बनाया था, वह ज़मीन तालाब की है। यही तालाब की ज़मीन पर कब्जा करके यह इमारत खड़ी की गई थी। उसके बाद कोर्ट में लड़ाई चली और फैसला प्रशासन के पक्ष में आया। इसके बाद अब्दुल को अवैध कब्जा हटाने का नोटिस भी भेजा गया। आदेश मिलने के बाद करहल SDM नीरज द्विवेदी 15 जुलाई 2024 को नोटिस जारी कर कब्जा हटाने की। जब नोटिस के बाद भी कब्जा हटाया नहीं गया तो फिर बुलडोजर को आना पड़ा। इस नुपरी संपत्ति की कीमत 5 करोड़ बताई जा रही है। चेयरमैन की दबंगई के चलते SDM करहल नीरज द्विवेदी, CO संतोष कुमार के नेतृत्व में PAC सहित कई थानों की पुलिस फोर्स की मौजूदगी में किया गया घुसतीकरण का कार्य। ये तालाब की जमीन थी, इस पे फरजाना बेगम का अवैध कब्जा था। इनके खिलाफ जो है 67 की कार्यवाही तहसीलदार के न्यायालय में चली, उसमें इनका बेदखली का आदेश हुआ। फिर ये अपील में गए, अपील भी इनकी खारिज हो गई। उसके बाद इनको नोटिस दिया गया। नोटिस पे इनके द्वारा अवैध कब्जा हटाया नहीं गया, इसलिए नोटिस का समय पूरा होने के बाद इनके खिलाफ बेदखली की ये कार्यवाही की जा रही है। किस तरह की जमीन थी ये? ये तालाब की जमीन है। तालाब की जमीन है, तो तालाब में एक यही निर्माण है कि और भी कुछ है? फिलहाल अभी इसी की बात हो रही है, आगे और भी जांच होगी। अगर और भी निर्माण होगा तो वो भी टूटेगा। ये आप ये भूल जाइए, ये मैरिज होम है। ये मेरा मकान था, आवासीय मकान था जिस पे हम रहते थे और मेरी बहन रहती थी। और यह ज़मीन हमने जो है प्रत्येक कई लोगों से बेनामे से खरीदी है। कहीं हमने 1 इंच भी ज़मीन नहीं घेरी है। इस ज़मीन की पूरी तरह संक्रमणी थी। एक SDM साहब आए थे शिवदयाल जी, उनने हमारी भूमि को असंक्रमणी कर दिया, जबकि जमीन संक्रमणी है। यह जमीन पहले तुलजाराम की थी, तुलजाराम के बाद उनके बेटे सूबेदार के पास आई, सूबेदार के पास से जो है ये आई है राम दुलारे के पास, राम दुलारे के पास के पास आई है और कई लोगों के पास। उसके बाद भी, उसके बावजूद भी यह तहसील में से हमसे खारिज हुई। उसके बाद हम ADM साहब के यहाँ दावा हुआ, हमारा SDM साहब के यहाँ मेरा दावा खारिज कर दिया। और हमें ये टाइम नहीं दिया, बताया गया ये कब तक का आपको टाइम दिया, जबकि प्रत्येक जो फैसला होता है उसमें टाइम बताया जाता है, इतने दिन का टाइम है। आप दूसरी कुछ ऊंची अदालत में आप अपना अपील दायर कर सकते हैं। मुझे ये बता रहे हैं कि तालाब की भूमि थी और नोटिस भी दिया गया, लेकिन ये तालाब की भूमि नहीं थी, ये भूमि संक्रमणी थी। एक SDM साहब आए थे शिवदयाल जी, उनने इसे खारिज कर दी, उसके बाद ये तालाब में दर्ज कर दी गई है। ये बुलडोजर चला है जब अखिलेश यादव पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ खड़े होकर भी BJP पर हमला बोल रहे थे। तो ऐसी ताकतें हैं जो विभाजनकारी राजनीति के नाम पर बांट करके
हमेशा के लिए राज करना चाहती हैं, लेकिन ऐसा करने में वो कुछ समय के लिए कामयाब भी हो जाएं, पर आखिरकार वो हारेंगे, क्योंकि गलत मंसूबे कभी कभी अपनी मंजिल नहीं पाते हैं। जो इंसान और इंसाफ के साथ खड़े होते हैं, जीत आखिर। अवैध रूप से बनाई गई इस प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलने के बाद कई लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसमें संजय त्रिपाठी ने कहा, मैनपुरी में अखिलेश यादव व आजम खान के करीबी करहल चेयरमैन अब्दुल नईम के अवैध मैरिज हॉल पर चला बुलडोजर, तालाब की जमीन पर बना था मैरिज हॉल। वही शेषधर तिवारी ने कहा, मैनपुरी के करहल में एक बहुत बड़ा तालाब था, अखिलेश यादव के करीबी अब्दुल नईम ने विशाल तालाब को पाट कर वहाँ अवैध रूप से अपना मैरिज हॉल बनवा दिया। उसके बाद योगी जी के बुलडोजर ने अपना काम किया और अब यहाँ फिर से तालाब बनाने की शुरुआत हो रही है। प्रवीण कुमार सेन कहते हैं, मैनपुरी में अखिलेश यादव व आजम खान के करीबी करहल चेयरमैन अब्दुल नईम के अवैध मैरिज हॉल पर चला बुलडोजर, तालाब की जमीन पर बना था मैरिज हॉल। ग्रेटर नोएडा बिलासपुर नगर पंचायत में भी अवैध निर्माण हो चुका है, यहाँ कब लेगा बाबा का बुलडोजर। सुधीर मिश्रा कहते हैं, सपा नेता अब्दुल के मैरिज हॉल पर चला बुलडोजर, अखिलेश का खास है माफिया, तालाब की जमीन पर कब्जा था, कोर्ट के आदेश के बाद चला बुलडोजर, अवैध कब्जे के पीछे सफाई ही मिलती है। बाबा जी तो कुछ इस तरह लोगों ने योगी के फैसले पर अपने विचार रखे। इसी में आगे जानकारी के लिए बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।